मेरा नाम नंदकिशोर कश्यप है और समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ में जिलाध्यक्ष हूँ। आगे देखो, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी है जो सदा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे और समाजवादी पार्टी में संघर्षशील उनकी पहचान रही। श्री राजपाल कश्यप जी को प्रदेश अध्यक्ष प्रजा प्रकोष्ठ बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए। और ये समाजवादी पार्टी ने जो कमान दी है प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी को, पूरा आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि उनके हाथों में कमान जाने से पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज को एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे उनके साथ, और उनके साथ काम करने में हम सारे लोग पिछड़े समाज के पूरी कमेटी उनके साथ। विजय यादव जी, जिस तरीके से आप बांट रहे हैं, जिस तरीके से जिला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, डॉक्टर राजपाल कश्यप एक इतने मेहनती कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में अपना परचम लहरा दिया है। उनसे सारी जातियां बहुत खुश हैं, चाहती हैं कि ऐसे नेता को आगे बढ़ाया जाए। जो लोग आपसे रूठे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको कैसे मना पाएंगे आप? उनके हम घर जाएंगे और उन्हें मनाएंगे। इस समय बीजेपी का तो इतना ग्राफ गिर रहा है कि जनता त्राय त्राय कर रही है। ये देखो, लॉकडाउन में ये जो 2 दिन का लॉकडाउन रखा है योगी जी ने, ये कितना गलत है। जैसे तैसे 4-5 दिन में जनता अपनी रोजी रोटी लाइन पे लाती है, लेकिन इस 2 दिन में वो फिर दब जाती है। लेकिन ये कोई जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितना काम कर पाएंगे 2022 के लिए आप? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना विकास किया कि आप प्रदेश को एक विकास प्रदेश कह सकते हो। इतना विकास आज तक किसी ने नहीं किया और न भविष्य में कोई कर पाएगा। आप मुझे एक कोई भी योगी जी सरकार का एक कोई भी काम ये गिना दो कि ये भाजपा ने किया है। आगरा से लगातार सपा की 1 से 2 सीट निकलती रही।